आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहां हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहां हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो, ताजे काय को लगाया रे? तो आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहे हो, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो। एक और आए हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहे हो। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। अब उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है साला, कुछ लिखता क्यों नहीं रे पे? काय क्यों नहीं लिखता? सबसे बड़ा रोग कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं और फिटनेस को लेकर बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका पेट निकला ही नहीं होगा। चैलेंज है। और लेकिन अगर आपकी संगत में सब रहते हैं आड़े टेढ़े, आपका भी 15-20 दिन बाद हाल वही होने वाला है। अ पीपल इज नोन बाय द कंपनी, सुना ना आप लोगों ने डायलॉग, है ना? आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। देखो पानी कहावत है, ग्लास आधा भरा कि आधा खाली है, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। किसी को वो आधा भरा नजर आता है और किसी को आधा, है ना? चीजें कैसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आप उनको कैसा देखते हो ये इंपॉर्टेंट। चीजें कैसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में एक ग्लास है, एक कॉफी का कप है फॉर एग्जांपल। क्या हो अगर कोई उसमें शुगर डाल दे? आई विल बी ऑल राइट, नो इश्यूज। क्या हो उस कॉफी के कप में कोई जहर डाल दे? आई विल बी डेड। लेसन नंबर वन, लाइफ शुगर और पॉइजन दोनों है यार। लाइफ शुगर भी है और पॉइजन भी है। हाथ में कप है, क्या हो आपका कोई बहुत दुश्मन उसमें शुगर डाल दे, कुछ होगा आपको? कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त बाय मिस्टेक ही उसमें जहर डाल दे, क्या होगा? यू विल बी डेड। लेसन नंबर टू, वॉच योर कॉफी। आपको नहीं पता कि उसमें जहर दुश्मन डाल रहा है या कभी कभी दोस्त भी डाल रहा है। 90% दोस्त ही डालते। दोस्तों मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार, बड़ा खतरनाक काम है यार ये नेगेटिव लोगों के साथ रहना, आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। जितना आत्मविश्वास है विल पावर है, क्योंकि प्रीस्ट ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल। स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो, ये स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट।
तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में। उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूंसा मार के गिरा देता है तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, तो मेरी विल मुझे उठाती है। विल आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर नॉट। तो वो प्रीस्ट बहुत अच्छा, उन्होंने बातें करी, उन्होंने बोला अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो अभी बात खत्म होगी, बहुत सारी बातें।